ग्वालियर में पिता पुत्री ने एक स्कूल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल में ड्रेस पहनकर नहीं गई तो शिक्षिका इतनी नाराज हो गई कि छात्रा को ना सिर्फ सबसे अलग बैठाया बल्कि छात्रा ने शिक्षिका पर झाड़ू पोछा करवाने का आरोप भी लगाया। वहीं जब छात्रा रोती हुई घर पहुंची और पूरी घटना पिता को बताई, जिसके बाद पिता स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने शिक्षिका पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं पिता ने अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों और थाने पर शिकायत करने की बात कही है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम राजा राठौर है। कहाँ रहते हो आप? मैं रहती हूँ 20 नंबर क्वार्टर में। अच्छा, स्कूल में आपके साथ क्या हुआ? स्कूल में मेरे साथ, मैं जब स्कूल गई थी तब मुझसे झाड़ू पोंछा करवाया जाता था और बाकी बच्चों से भी करवाया जाता था, पर लेकिन जब मैं आज स्कूल गई तो मेरे संग मेरी मैम ने ऊपर मेरे को खड़ा कर कर और मेरे ऊपर बैग रखकर मेरा हाथ ऊपर कर कर मुझसे, फिर बाद में मैम ने है ना मेरे पापा को बुलाया और है ना फिर बाद में उन्होंने बोली कि है ना आपकी बच्ची ड्रेस पहन के नहीं आती है, आप अपनी बच्ची को समझाया करिए ड्रेस पहन के आया करें, और बोलने लगी अगर वो बच्ची ड्रेस पहन के नहीं आएगी तो हम उस बच्ची का नाम काट देंगे। तो आप आज ही ड्रेस पहन के नहीं गए थे कि पहले भी नहीं गए थे? पहले भी नहीं गए थे। तो पहले आपसे कभी ऐसा बोला? नहीं। तो फिर आज आपसे क्यों बोला ऐसा? और है ना वो है ना गर्मियों की ड्रेस नहीं है, अभी जून की मतलब सर्दियों की ड्रेस है। अच्छा, आपको ड्रेस भी नहीं दी वहाँ पर स्कूल में? नहीं। अच्छा, तो उसको लेके आपको आज वो कर दिया, तो आज ही क्यों करा? पहले आपको क्यों नहीं ये चीज़ बोली आपसे? क्योंकि तो पहले जब मैंने अपनी मम्मी पापा को मम्मी जान जब मैंने अपनी मम्मी को बताई तब मेरी मम्मी ने बोली बाकी बच्चे भी लगाते हैं झाड़ू पोंछा, मैंने बोली हाँ लगाते हैं, तो ना मेरी मम्मी कह रहे अच्छा तुम लगा लिया करो, तो ना मैं जब अगले दिन स्कूल गई तब मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया गया और है ना फिर बाद में मैंने लगा तो दिया, फिर बाद में मेरे को बैग खड़ा करके बैग 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 मेरे ऊपर रख दिया। तो आज आज क्या आपने कम काम किया था क्या स्कूल में, इसलिए आपको? मैंने मना कर दिया था आज तो। अच्छा, आज मना कर दिया था आपने? आ रहा था। अच्छा, फीवर आ रहा था आपको, इसलिए आपने मना कर दिया और उन्हें आज आपको बाहर निकाल दिया। फिर आपने क्या किया, आपने घर वालों को बताया? हाँ, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने बोली मेरे पापा को भेजा, तो मेरे पापा गए जब तो उन्होंने धीमी आवाज में बात करी, पर लेकिन मेरी मम्मी ने बोली कि ना आप तो मैं ना धीमे आवाज़ में बात करना, मेरे पापा धीमे आवाज़ में बात कर रहे थे, उसके में मैम मेरी चिल्लाने लगी और उनके हस्बैंड आ गए मैम के और उनके वो भी आ गए थे वो बच्चे, तो है ना उनके बच्चे बच्चों ने मेरे पापा को बेल्ट दिखा दी आपके पापा को? यस। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? अरे ये बच्ची आई रो की स्कूल से, तो हमने कहा क्या हो गया, बोले मैम ने हमें प्रताड़ित करती है मारती झाड़ू पोछा करवा दी, तो हमने पहले तुमने बताया नहीं, तो बोले हम पापा आज के बाद स्कूल नहीं जाएंगे, हमने चलो हम मैडम से बात करते हैं, तो मैं वहाँ गया तो हमने कहा मैडम ऐसा क्यों करती हो, बोले ड्रेस पहन के नहीं आती, तो हमने और भी बच्चे बैठे हैं, बोले सब ड्रेस पहन के आएंगे कल से, तो हमने कल से भी पहन के आएगी, तो बोले हमने इससे आज भी कही थी, हमने चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, तो वो चिल्लाने लगी खूब तेज, तो हमने मैडम आप शिक्षा को इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं, अच्छी बात है आपको, तो उसको कहते वो तो बहुत तेज बोलने लगी जैसे ब्लड प्रेशर की मरीज हो वो, फिर उनने बोले निकल जाओ आप स्कूल से, हमने क्यों निकल जाए, बोले हम आपकी बच्ची को नाम काटे दे रहे, हमने क्यों काट दोगी नाम, फिर उसने जो है अपने आदमी को और बच्चे को बुला लिया, अब बच्चा कौन था वो आके दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने और वो बेल्ट दिखाने लगे, हमें गाली गलौज करने लगे, तो बोले उसको कौन सी धारा बताई हमें तो याद नहीं, बोले हम ये समाज के हैं और आप पे केस लगा देंगे, 6 महीने की सजा करवा देंगे आपको और अच्छा। आपकी बच्ची कल से स्कूल नहीं आई। कौन मैडम थी जिनके साथ ये इस तरह की हुई? पार्वती पंचारिया मैडम जो उसमें शिक्षा थी, उसी स्कूल में पढ़ाती हुआ? उसी में पढ़ाती, उन्होंने बदतमीजी शासकीय विद्यालय देसी मील 9 नंबर लाइन। अच्छा, जो 9 नंबर लाइन स्कूल में। अच्छा, अभी क्या कर आगे क्या कर रहे हैं आप उसके बाद? आगे शिक्षा विभाग में आवेदन देंगे हम और थाने भी आवेदन देंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? राजेश बहादुर सिंह राठौर। कहाँ रहते हैं आप? लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10, ग्वालियर निवासी।